आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जो वीडियो दिखाने वाली हूँ, वह किसी रेसिपी की नहीं है। तो हम सबको डोसा खाना बहुत पसंद है, डोसा खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर तवा सही ना हो तो डोसा निकलने लग जाता है कुछ इस तरीके से, तो फिर डोसा खाने का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि पैन बदल देते हैं और खरीदने लग जाते हैं नॉन स्टिक पैन्स। तो नॉन स्टिक पैन्स जो है वो बहुत हानिकारक होता है, उसमें एक कोटिंग होती है जो धीरे धीरे कर बाहर निकलने लगती है कुछ इस तरह की से। एक हल्का सा ऐसे दाग दिखा, फिर भी हम इसे यूज़ करते जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि यूज़ करते करते कुछ इस तरीके से हो जाता है। हम उसे फेंकते नहीं, हम सोचते हैं कि चलो इसे यूज़ करते रहते हैं, लेकिन इसमें जो केमिकल्स है, जैसे ये गर्म होता है और खाना हम इस पर बनाते रहते हैं, तो जो केमिकल्स हैं इससे निकल करके हमारे खाने में चारे लगता है। और हम अपने परिवार को हमेशा हेल्दी फूड खिलाने का सोचते हैं, लेकिन इस तरह से अननोइंगली हमें मालूम भी नहीं रहता और इस तरह के केमिकल्स जो हैं वो हमारे खाने में चले जाते हैं। तो मैंने खरीदा कास्ट आयरन का तवा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप तवे को ठीक से तवे की रखरखाव नहीं करेंगे तो तवा में ऐसे रस्ट लगने लग जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका रखरखाव भी कैसे करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। अच्छे से सीजन कैसे करते हैं, मतलब तवा पे पहली बार जब हम खाना बनाते हैं, पहली बार जब हम डोसा बनाते हैं, तो उसे सीजन कैसे करते हैं, उसको उसके लिए तैयार कैसे करते हैं, और कैसे ये तवा जो कि आयरन या लोहे का तवा है वो धीरे धीरे बिल्कुल यूज़ करते करते आपके नॉनस्टिक तवा की तरह काम करने लगता है। तो आइए देखते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खान पान और पकवान। तो मैंने मंगा लिया है यहाँ डोसा तवा अमेजोन से, जिसके मैन्युफैक्चरर हैं हाईकाइंड और ब्रांड है लंच लैब। तो ये देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ और ये है 1199 रुपीज़ कास्ट आयरन डोसा तवा, जो है प्री सीजनड। तो प्री सीजनड होते हुए भी इसे हमें सीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही हैवी वेट तवा है ये और 12 इंचेस का तवा है ये। इसके साथ एक वुडन स्पैटुला भी फ्री मिला है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है ये। कोई आप चाहे तो खरीद सकते हैं लोहे का, साधारण लोहे का तवा भी या आयरन तवा भी। चलिए इसको धो लेते हैं। इसको धोने के लिए मैंने ऐसे स्क्रबर यूज़ किया है और एक माइल्ड यानी कि बहुत ही हल्का साबुन जो बर्तन के लिए यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल किया है, और फिर पानी से इसे ऐसे अच्छे से धो लेते हैं। ये देखिए, इसके बाद इसे मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। ये पहली बार लिया हुआ डोसा तवा है और इसे पहली बार सीजन कर रही हूँ मैं। देखिए, इसे टिश्यू पेपर से इस तरह से पोंछ लेते हैं और इसके बाद इस पे ऑयल लगाकर इसे ऐसे फैला देते हैं। आप किसी ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी कपड़े की पोटली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इसे तेल पहली बार लगाए। अभी गर्म नहीं करना है तवे को, बस इसे तेल लगा कर रख देना है। इस तरह से दो दिन लगातार करना है, आगे पीछे अच्छे से तेल लगा कर रख दीजिए, दूसरे दिन फिर से तेल लगा कर आगे पीछे से अच्छे से रख देना है। ये देखिए, अब तीसरा दिन है, तवा को मैंने गर्म किया और इस पर इस तरह से पानी छिड़क कर पानी को सूखने देते हैं, और फिर इसे जब ये सूख जाए पानी को इस तरह से टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिए और फिर इसमें ब्रश कर लीजिए तेल। आप कोई सिलिकॉन ब्रश यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई पोटली भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं टिश्यू पेपर से लगा रही हूँ इसे। ये देखिए, अच्छे से फैला लिया है। आज ये तीसरा दिन है, मैं तवा आज यूज़ करने जा रही हूँ। देखिए, एक बार और पानी से इस पर छिड़क लेते हैं और फिर से इसे पोंछ देते हैं और फिर से इसमें तेल डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये भी प्रोसेस दो बार करना है, दो दिन इसे तेल लगा कर रखना है और इस जब तीसरे दिन इसे गर्म करते हैं तो दो बार इसे पोंछ लेना है। और अब आधा प्याज, आधा टुकड़ा कट करके इस तरह से प्याज इस पर फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, लेकिन इस प्याज को हमें यूज़ नहीं करना है, इस प्याज को डिस्कार्ड कर देना है। ये देखिए, इसे ऐसे निकाल लेते हैं और इसको हटा देते हैं, और आधा प्याज जो था उसमें फोक से इस तरह से
लगाकर मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ तेल लगाने के लिए तवे पे। ये देखिए, अब ये पहला डोसा जा रहा है तवे पे। देखते हैं ये कैसा बनता है। यूजुअली प्री सीजनड तवा हो या नॉर्मल आयन तवा हो तो भी फर्स्ट डोसा तो अच्छा नहीं ही बनता है। चलिए देख लेते हैं। ऑयल डालते हैं, इसमें ज़रा पेशेंस चाहिए, डोसा बनाने के लिए पेशेंस चाहिए, लेकिन गारंटी है कि अगर आप इस तरह से डोसा बनाएंगे, इस तरह से इस तवे का इस्तेमाल करेंगे तो 8-10 यूज़ के बाद ये तवा बिल्कुल नॉनस्टिक तवा की तरह ही काम करेगा। शुरू का 2-3 डोसा अच्छा नहीं भी निकलता हो लेकिन बाद में बहुत ही अच्छा डोसा बनता है इसमें। लेकिन इसके बाद ये वाह, बहुत ही फ्लफ़ी अच्छा डोसा निकल गया है। फर्स्ट डोसा ही बहुत फ्लफ़ी और अच्छा है। इसे देखिए इस तरह से निकालते हैं, पर इस डोसे को भी अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं। पहली बार बना रहे हैं तो 2 डोसा तो हम यूज़ नहीं करेंगे। पहले प्याज फ्राई कर लेते हैं, उसे हटा देते हैं, उसके बाद इस तरह से 2 डोसा और बना लेते हैं और इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए इस डोसे को मैं पतला बना रही हूँ, वो डोसा ज़रा मोटा बनाया था, इसे मैं पतला बना रही हूँ ये चेक करने के लिए कि बनता है कि नहीं, अच्छा बनता है कि नहीं। बनता तो ज़रूर है लेकिन बहुत बार डोसा चिपकने लगता है और फिर हमें बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन इस तवे पे अगर आप बनाएंगे तो ये हेल्दी भी रहेगा खाने में, बस थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और इसे मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। आप नॉर्मल लोहे का तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि कास्ट आयरन तवा नहीं, नॉर्मल लोहे का तवा, लेकिन उसे भी ऐसे ही सीज़न करना है। इसके बाद जब आप बना लेंगे डोसा तो इसके बाद इसको कैसे इसका रख रखाव करना है, इसके बाद आप एक बार पानी से इसे हल्का सा धो लीजिए और फिर से इसे तेल ब्रश करके आप इसे किसी फ्लैट जगह पे रख कर ढक सकते हैं किसी प्लेट से। आप इसे टांग भी सकते हैं लेकिन बहुत हैवी है, मेरे पास टांगने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं इसे अच्छे से धो लेती हूँ, इसे अच्छे से पोंछ लेती हूँ, उसके बाद इस पे तेल ब्रश कर लेते हैं, तेल लगा लेते हैं और फिर इसे ढककर मैं इसे फ्लैट करके ढककर रख देती हूँ। तो जब भी मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है, ये देखिए दूसरा डोसा भी बहुत ही शानदार निकला है और ये बहुत ही क्रिस्पी हुआ है। तो ये देखिए इसके बैक साइड में। और या डोसा बनाने के लिए एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि हीट भी प्रॉपर हो, चारों तरफ बराबर हीट लग रहा हो तवे पे और बैटर भी अच्छा बना हो। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा करारा डोसा निकल गया है। इसे मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ कि कितना करारा है। ये देखिए, आपके पास कोई भी लोहे का बर्तन हो तो उसे आप इसी तरह से सीजन कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं सालों साल। अब ये फाइनल थर्ड डोसा मैं बनाऊंगी। ये देखिए इसमें भी प्याज से एक बार फिर से तेल, आप प्याज यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी कपड़े की पोटली यूज़ कर सकते हैं, कोई ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक बार और, अब ये जो डोसा बनेगा इसे मैं सर्व कर सकती हूँ, इसे मैं खिला सकती हूँ और खा सकती हूँ। ये देखिए आपके पास लोहे का कोई भी बर्तन हो, जैसे प्लैटर प्लेट्स, बारबेक्यू रॉड्स या कोई कढ़ाई या फ्राइंग पैन या जो भी बर्तन आप लोहे का इस्तेमाल करते हैं, आप इसी तरह से सीजन करके उसे रख सकते हैं। आजकल सभी लोग हेल्दी वे कुकिंग के लिए ही डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं खुद को। अगर नॉनस्टिक छोड़कर आप लोहे के बर्तन का खरीदने का सोच रहे हों और फिर लग रहा हो कि इसकी रखरखाव कैसे करें, इसको केयर करने में या इसको रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी होती है, तो ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट टाइम इसे सीजन करने में ज़रूर 2-3 दिन लगाना होता है, लेकिन 2-3 दिन यूज़ करते हैं हम, लेकिन फिर हर बार बहुत आराम से बहुत अच्छे से आप इसे सीजन करके रख सकते हैं और हमेशा यूज़ कर सकते हैं बहुत वर्षों तक। एक बार आप आयरन या लोहे का बर्तन खरीदिए तो आप इसका इस्तेमाल सालों साल कर सकते हैं। और इस लोहे के तवे पे आप बना सकते हैं कोई भी चीला। देखिए मैंने मूंग दाल का चीला भी एक बनाया है। अगर आप बनाना चाहते हैं क्रेप तो आप क्रेप भी बना सकते हैं, या कोई भी पैनकेक्स जो हमारे यहाँ पैनकेक्स बनते हैं आप वो भी बना सकते हैं, या पैन पुआ बना सकते हैं। कोई भी तवे पे
स्प्रेड करने का कोई भी आइटम अगर आप बनाते हैं तो इस तवे का, इस लोहे के तवे का बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।